दोस्तों, एक नई सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। मैं लगातार लखनऊ के उभरते खिलाड़ियों से आपका परिचय करा रहा हूं और आपको आपके सामने उनको रूबरू कर रहा हूं। आज हमारा आदित्य सिंह, मैं आपको परिचय करा दूं, अभी NCAA कैंप करके आया है, हाईएस्ट विकेट लिए थे हमारे अंडर 16 UP टीम से। और हमारे सबके प्रिय आसिफ भाई जो लगातार हम लोग से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा इंटरव्यू कल इन्होंने लिया बच्चों का, तो मैं इन्हीं को फिर आमंत्रित करूंगा कि इन बच्चों से आप जुड़ें और इनका इंटरव्यू लें। आसिफ भाई, वेलकम। थैंक यू पीयूष भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई आदित्य, सबसे खुशी की बात है कि आप लोग के बीच में आदित्य खेलता था और NCAA करके आया है, तो मैं आदित्य से भी पूछूंगा, सबका एक बार इंट्रोडक्शन ले लेता हूं, सबका नाम पूछ लेता हूं। आप लोग अपना एक एक बार नाम बता दीजिए और जो यूपी रिप्रेजेंट आप लोग किए हो, 14 किए, 14 ये 14, आप 16 किए हो, तो आप अभी हो बहुत अच्छे मीडियम पेसर हैं, ये भी उम्मीद है कि इस बार आ जाएंगे, तो अपना नाम आपने बताइए और क्या करें। जैसे शुक्ला राइट आर्म लेग स्पिनर, शाश्वत कृष्णा राइट आर्म मीडियम फास्ट, आदित्य सिंह लेफ्ट आर्म स्पिनर, यशवर्धन नेगी विकेट कीपर राइट हैंड बैट्समैन, हाफिज अहमद राइट आर्म मीडियम पेसर। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग स्टेट से खेल रहे हो और स्टेट से खेलने के बाद हर बच्चे का सपना ये होता है कि वो NCAA करे, और NCAA करने का मतलब ये होता है कि वहाँ थोड़ा स्पेशली बच्चे, वही स्पेशल बच्चे जाते हैं जो हाईएस्ट विकेट टेकर या हाईएस्ट परफॉर्मर पूरे इंडिया से जाते हैं, और मे भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार अंडर 16 में 25 बच्चे गए थे, ऐसा 25 बच्चे गए थे, तो आप कितना विकेट लिए थे? सर हमारा सर 6 मैच में सर 38 विकेट था। 38 विकेट था, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप 6 मैचों में 38 विकेट लिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये आगे ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में 19 इंडिया और बहुत सारी टीमें आगे इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट होना है, तो उसमें आप रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं अपना दावेदारी दे रहे हैं। तो आदित्य, ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से हो? मुझे मालूम चला है कि आप स्पोर्ट्स कॉलेज से हैं जिसमें सारे हम लोग सीनियर रहे हैं, हॉस्टल में रहे हम लोग, और सबसे अच्छी बात है कि मैं स्पोर्ट हॉस्टल देवरिया में रहा, सुना हूँ कि आप देवरिया से बिलोंग करते हो। जी जी सर, हम देवरिया के रहने वाले। अच्छा सर, देवरिया में कहाँ प्रैक्टिस करते थे आप? सर देवरिया में सर स्पोर्ट्स स्टेडियम जो था हमारा, सर वहीं प्रैक्टिस करता था। सबसे अच्छी बात है कि स्पोर्ट हॉस्टल था और मैं भी देवरिया में कुछ टाइम के लिए मैं रहा, स्पोर्ट हॉस्टल में गया, वहीं से आदित्य हैं, और स्पोर्ट्स कॉलेज में अक्सर बच्चे जाते हैं मैच खेलने, मैं वहां जाता हूं। और आपने NCAA किया तो आदित्य वहां पे क्या शेड्यूल रहता था, और जब आपने विकेट लिया तो आपका कैसे उसमें नाम आया, और यूपी से कितने बच्चे आए हुए? सर यूपी से 3 लड़के थे, और वहाँ का सर शेड्यूल था सुबह सुबह हमें मतलब नाश्ते के लिए 8 बजे हम जाते थे, फिर हमारा फिटनेस स्टार्ट होता था वही ग्राउंड पे, कंडीशनिंग कराते थे, फिर 8 बजे से वो वही 10-11 बजे से स्टार्ट होता था, फिर 11-12 बजे तक ग्रुप बनते थे सर, मतलब 3 ग्रुप बनते थे, विकेट कीपर, बॉलर और बैट्समैन के। तो सर इसी ग्रुप में पहले तो सर जिम होती थी, फिर स्किल भी होता था हमारा, और फील्डिंग भी सर, फिटनेस सुबह कराते थे, कभी कभी दोपहर में भी कराते थे, तो ऐसे ही सर शेड्यूल था। और हमारा सर कभी कभी फील्डिंग, तो फिर एक से रेस्ट करके फिर लंच होता था सर 1 बजे, 1 बजे लंच के बाद सर फिर आगे का सर जो होता आगे का। मतलब ये कहने का मतलब कि सारा जो शेड्यूल बना हुआ था NCAA कैंप का, आप बेंगलोर में गए थे नेशनल क्रिकेट एकेडमी, आप देख सकते हैं ये लोगो पाने के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्कत करना पड़ता होगा। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये UPCA का लोगो है, ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जब आप बच्चा इसमें खेलता है स्टेट के लिए तो ये लोगो मिलता है, उसके बाद जब हाईएस्ट परफॉर्मेंस करता है बच्चा तो फिर ये लोगो मिलता है, तो ये लोगो मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक स्टेट्स के बच्चे होने के बाद फिर इसी प्रक्रिया से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और हर बच्चों का एक सपना होता है। तो जैसे आदित्य बता रहे थे कि वहाँ शेड्यूल होता है, हम लोग इस टाइम नाश्ता करने जाते हैं, फिर जिम होता है, फिर फिटनेस होता है, फिर उसके बाद जो फिटनेस होने के बाद क्या वहाँ क्लासेस भी चलते हैं, क्या कुछ बताया जाते हैं, क्या क्लास व्लास क्या हुआ? क्लासेस भी चलते थे सर, मतलब वो वीडियो बनते थे, फिर वीडियो में सब बताते थे कि क्या क्या हम सही कह सकते थे, फिर सर चीज़ें सर बहुत ईजिली समझ में आ रही थी वहाँ पर। मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ प्रैक्टिस के बाद वीडियो एनालिसिस होती थी कि आप में क्या कमी हो रही है, क्या अच्छी होनी चाहिए, इन सारे को बताने के बाद आपको कुछ ज़्यादा समझ में आता था। मतलब ये हम लोग के लिए बड़ी सीखने की बात है कि अगर बच्चों को मैं अगर प्रैक्टिस कराऊँ तो उनका वीडियो बनाए, एनालिसिस करें, जिससे कि हम बच्चों को बैठ के क्या फॉल्ट है, क्या अच्छी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को समझा दे, ये ज़्यादा समझ में आता था। हाँ सर, बहुत स्मूथली समझ में आता था सर, स्मूथली समझ में आता सर, कोई दिक्कत नहीं होती थी सर, सब हमारे सर वहाँ पे मेन कोच थे सर, जो
कोटक सर थे। अच्छा, कोटक सर जी। और हमारे स्पिनर कोच थे सर रमेश पवार सर। तो सर मतलब बहुत मजा आया उनके साथ। और सर मतलब बहुत कितने दिन आप लोग वहाँ पे एनसीए में रहे? सर लगभग एक महीने सर रहे। एक महीने एनसीए कैंप के, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यूपीसीए का और सीएल का बहुत थैंक यू बोलना होगा कि ऐसे टैलेंट बच्चों को उन्होंने ढूंढा और वहाँ भेजने का मतलब बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि हमारे बच्चे जब ये तीन गए, ये लाइन में लगे हुए, ये मीडियम पेसर लगे हुए, तो ये लोग धीरे धीरे ऐसे मोटिवेट होकर बच्चे जाते रहेंगे। और एक महीना वहाँ ट्रेनिंग स्पेशल रमेश पवार सर थे, कोटक सर थे, इन सबसे लेके परफॉर्मेंस करके आना, फिर आप यहाँ आएंगे तो अलग कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। हाँ सर, कॉन्फिडेंस तो सर आता है, अलग दिख रहा होगा क्योंकि हाँ फिर वहाँ सिलेक्टेड बच्चे थे, अब कॉन्फिडेंस अलग। शाम का क्या शेड्यूल होता था, नेट का क्या, मैच भी हुआ था क्या? हाँ सर, मैच हुए थे सर। अच्छा। मैच मतलब ओपन नेट टाइप होता था, तो सर उसी में बताते थे कि क्या उसमें ही सर फॉल्ट बताते थे कि और क्या सही कर सकते हैं और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं। फील्डिंग भी हमारा देखा जाता था उसमें कि स्टार्ट कैसे लेना, सर बेसिक चीज़ें बताते थे सर। बेसिक चीज़ें बताते जो हम सारे एकेडमी बताते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ कुछ अलग बता दिया जाता होगा, लेकिन ये है कि एक स्पेशल वहाँ ट्रेनिंग मिलता था जो इंडिया से सिलेक्ट होकर 25 बच्चे 16 के गए थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हम चाहेंगे कि जो आने वाले फ्यूचर है, जैसे अंडर 16 का भी कैंप लगा हुआ है बच्चों का, जो लास्ट सेशन चल रहा है, तो इस टाइम में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे तो ये आगे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। आई होप कि मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत सारे बच्चे इस बार यूपी से जाए। और साथ साथ और क्या बोलना चाहेंगे आने वाले बच्चों को, क्या बोलेंगे, क्या वो मेहनत करते हैं? बस प्रैक्टिस, डेडिकेशन दिखाएं सर। डेडिकेशन हाँ सर, और प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, बस यही सर। और लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए आप हैं, तो उनके लिए स्पेशली कुछ बोल दीजिए कि क्या वो बॉल डाले या मैच में क्या सोचे, क्योंकि आपने 6 मैचों में 38 विकेट लिया है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इसको माना जाएगा। तो वो आने वाले बच्चे लेफ्ट आर्म कैसे लें सर? बस कोई भी बॉलर हो सर, मीडियम पेसर या फिर लेफ्ट आर्म या फिर कोई स्पिनर ही, तो बस अपने ऊपर सर बिलीव रखें, बिलीव हाँ मैं कर सकता हूँ, मतलब मुझे बस एक जगह बॉल डालनी है। अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो सर कुछ भी हो सकता है, फिर बस अपने ऊपर बिलीव रहना चाहिए। चलिए, मैं इसी से अपने बातों को विराम दूंगा, और कहीं ना कहीं बच्चों से मिलने के बाद बहुत मोटिवेशन आता है। और अदित, आपके लिए आगे बेस्ट ऑफ लक, आप सारे लोग के लिए कि आप लोग आगे रिप्रेजेंट इंडिया करें। ओके, थैंक यू।